मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। आप लोग भी जानते हैं लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो इसके कारण कहीं भी कुछ काम नहीं हो पाया, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, ना कहीं जाना ना कहीं आना, कुछ भी नहीं। मतलब ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई, मेरी नहीं सबकी हो गई होगी। अगर आपकी अच्छी चल रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ ये भाई ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा भाई, जो बात है तो सब। तो काफ़ी लॉकडाउन बढ़ गया और बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। और बेंगलोर का वेदर आप जानते हैं, ऑब्वियसली सब लोग जानते होंगे कि बेंगलोर में क्या वेदर है। अभी मस्त है, ऑसम सा घूमने वाला जगह है, मतलब अभी घूमने वाला ही मौसम है स्पेशली। तो प्लान था कुछ ऐसा करने का, लेकिन मुश्किल है यार, अभी सेफ रहो, घर पे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग ने क्या किया कि मतलब मैंने क्या किया कि एक पेट खरीदा, बनी रैबिट्स, आप सभी लोग जानते होंगे, तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप सबको कि हाँ कैसा है क्या है, और इसके बारे में भी बताऊंगा आगे चल के कि हाँ इसको कैसे केयर करना है, क्या क्या खर्चे हैं, क्या क्या सबसे सही लगा मुझे। मतलब प्लान था कि मैं डॉग लूँ, कैट लूँ, बट यार टू बी फ्रैंक, अगर आप वॉकिंग हो, अगर आप कहीं जाते हो, वर्किंग अगर काम कर रहे हो, तो मुश्किल है वो सब कुछ केयर करना, इतना आप नहीं कर पाओगे। तो रैबिट जो है जो काफ़ी ठीक ठाक लगा मुझे, मतलब सही है, मतलब आप कहीं आना जाना चाहो, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। तो काफ़ी हवा चल रहा है बैंगलोर में, शायद ही आपको आवाज़ अच्छे से क्लियर आए, तो उसके लिए सॉरी। सो मेरा ट्राई है यही है कि मैं ब्लॉग डालता रहूं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग ने कमेंट किया भाई ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत सारे मतलब ब्लॉगर्स हैं जो विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे कि MSK हो गए, उसके बाद मुंबई के, लेकिन सब लोग जानते होंगे आप लोगों को, फिर बुलेट सिंह हो गए, तो ऐसे कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं वॉच करता हूँ। आई होप उनको तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों का एक थोड़ा सा रिस्पांस आ जाए, तो वो लोग को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग उनसे ही आइडियल, मतलब मैं मानता हूँ उनको। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, JS फिल्म्स है, प्रज्योत हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बट मैं बेसिकली दो ही का देखता हूँ, एक मोहम्मद सलीम खान MSK, पहले ब्लॉग्स था ब्लॉग्स अड़ गया, अभी MSK है, और एक बुलेट सिंह BSB, बस यही दो मैं ब्लॉग ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि इनको मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट होते हुए देखा है। मतलब जीरो लेवल इन द सेंस, इनका ना 200 सब्सक्राइबर और 1000 सब्सक्राइबर से मैं इनको देख रहा हूँ, और इन लोग से इंस्पायर हुआ कि हाँ भाई ब्लॉगिंग करना है, तो वो लोग भी डेली ब्लॉग कर रहे हैं। MSK ने भी कैट लिया, आपको पता होगा लैला मजनू के बारे में, तो मैंने भी मतलब ठीक है यार, मैं भी कुछ लेता हूँ, MSK भाई ने लिया तो मैं भी लूँगा यार, सब लोग ने लिया। जत प्रभोत ने भी एक बहुत क्यूट सा कोको लिया है, जिसका पपी है, बहुत ही क्यूट है वो, तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब मैंने बोला ठीक है यार, मैं अपने ब्लॉगर्स के लिए कुछ तो अलग करता हूँ। हाँ, तो कहाँ था मैं कि मैंने एक पेट लिया है, आपको मैं दिखाऊंगा पेट के बारे में कि क्या नाम है उसका और वो क्या है। मैंने बताया अभी बनी रैबिट्स है, तो वो कौन से कलर का है, उसका क्या खर्चा है, कितने में आता है, कितने मेंटेनेंस है, इस चीज़ के बारे में ब्लॉग डालूंगा। अभी फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मैं बाहर का तो कुछ ब्लॉग कर नहीं सकता। तो आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और मेनी थिंग्स जो कि अभी भी चल रही है बैंगलोर में। तो मैं अभी टेरिस पे, इसलिए मास्क नहीं पहन के आया, मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो ऑब्वियसली पहनता हूँ, सेफ्टी पहले है सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए पहले है। तो मैं आपको मिलवाऊंगा अपने बनी से, अपने रैबिट से, अपने पेट से, और उसके बारे में बताऊंगा मैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ही। अगर कुछ छूट जाता है या कुछ मिस होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इन केस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके पास है, तो आप प्लीज़ शेयर करो मुझे, ताकि मैं इसको अच्छे से ख्याल रख सकूं और अच्छे से इसका टेक केयर कर सकूं। और मैं ट्राई करूंगा कि ब्लॉग आप लोग के लिए मैं डेली लाता रहूं, आज के डेट में डेली नहीं है लेकिन अल्टरनेट तो पक्का लेके आऊं मैं आप लोगों के लिए, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुछ भी होता है तो मैं लेकर आऊँगा। तो बस देखो वीडियो और फिर बताना मुझे एंड ऑफ द वीडियो कि हाँ कैसा लगा, और भाई जो लाइक करते हो आप कमेंट में बताना कि क्यों लाइक किए, और जो डिसलाइक करते हैं वो भी बताओ कि भाई क्यों डिसलाइक किया, उससे क्या होगा कि मैं अपना चैनल को और अच्छा कर पाऊंगा और आप लोग के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँगा। बस तो बाकी सब बढ़िया है, वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, मजे करिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, दूसरे को भी सेफ रखो गाइस, कहीं भी ट्रैवल ना ही करो तो अच्छा है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी घर पे ही हूँ, लास्ट हो गया यार 3 महीने से ऊपर हो गया, मैं मार्च से ही घर पे हूँ, मार्च अप्रैल मई अभी जून स्टार्ट हो चुका है, तो मैं घर पे हूँ, आप लोग भी घर पे रहो, कीप वॉचिंग फ्लॉप आवर ब्लॉग्स। जो नए हैं चैनल पे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो अदरवाइज आप बस देखो, काफ़ी है मेरे लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो फिर बाय बाय। तो ये है मेरा पहला बनी जिसका नाम मुम्मू है। तो एक्चुअली ऐसे दो है मेरे पास, ये हमेशा मतलब ह्यूमन फ्रेंडली है, साथ में रहेगा, साथ में खेलेगा, और आप इसको अगर हाथ भी देते हो ना बहुत सुकून से बैठता है, बहुत अच्छे से रहता है, मतलब खेलने वक्त बहुत कूदता है और शांति के वक्त बहुत शांत होता है।
तो ये बहुत ह्यूमन लवर है, मतलब लोग के साथ, मतलब जहाँ बैठा रहूँगा वहीं आके बैठ जाएगा ये। अगर मैं कहीं खेल रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये स्ट्रेचिंग कर रहा है, इसका ऐसा ही है, मतलब हमेशा खुश, हमेशा ये टेडी है, इसके साथ हमेशा खेलता है ये, मतलब इसके राउंड 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 घूमता रहेगा टेडी के आसपास आसपास। तो टेडी लवर, ह्यूमन लवर, जो बोलो आप, ये बहुत क्यूट लगता है मुझे तो। मतलब मेरे पास एक और है, मैं दिखाऊंगा उसको, पहले आप इनसे मिलो। ये देखो सबसे क्यूटेस्ट पार्ट, आपने ऐसा मतलब बहुत रेयरली ही कहीं दिखने को मिलता है ये सब। ये हमेशा बहुत क्यूट क्यूट एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। तो ये कान इसका है, कान पकड़ के उठाना, लेकिन मैं कान पकड़ के नहीं उठाता, मैं कैसे उठाता हूँ आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये काफ़ी क्यूट है, शांत है, खेलने वक्त खेलता भी है, अगर इसको आप ऐसे ऐसे कर दो तो ये सो भी जाता है। इसको सुलाना, खिलाना, ये सब बहुत आसान होता है, और उतना कुछ डिमांड नहीं है कि हाँ ये खाना है, ऐसा खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, ये आराम से रहता है। ये देखो इसका बदमाशी, कान चाटता रहता है ये कभी कभी। तो ये मतलब मैं लिया था उस वक्त काफ़ी शांत रहता था, अभी मतलब खाना वाना देने से, अच्छे से रखने से काफ़ी फ्रेंडली होता है। तो ये रहा दूसरा, जिसका नाम है लुल्लू, सबसे नटखट, सबसे बदमाश। तो अभी तो ये थोड़ा लंबा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जब लाया था ये मात्र 2 महीने का था, 1 महीने 2 महीने का था। तो ये रहा, ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना शैतान बच्चा, वैसा है। देखो देखो कैसे करता है ये टेडी को, तो ऐसा अब देख लो टेडी का जो हालत है ना, इसने ही किया, कभी नोच के, कभी काट के, कभी कुछ करके, नटखट और सबसे खेलने वाला बंदा है। देखो जंप मार के ऊपर, पता नहीं ये लोगों को क्या मिलता है, सोफा पे बहुत बैठा रहता है, और अगर आप बैठे हो नीचे, आके आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपके साथ खेलेगा, राउंड राउंड घूमता रहेगा, मतलब मज़ा बहुत खेलता है ये, बहुत ज़्यादा खेलता है। और आपको छूने उतना नहीं देगा जितना मुम्मू छूने देता है, लुल्लू उतना नहीं छूने देता। तो व्हाइट वाले का नाम है लुल्लू, और ब्लैक एंड व्हाइट है उसका नाम मुम्मू नाम है। तो ये देखो गोद में बैठ गया, तो मतलब ये हमेशा ना आपके ऊपर चढ़ा रहेगा, आपको नोचता रहेगा। देखो अभी नोचेगा ये, मुझे ये लग रहा है इसको, मतलब ये खाने के बाद ना बहुत खेलता है। तो खेलने का मेन टाइम होता है ये लोग का सुबह और रात, दो टाइम ऐसा होता है जब बहुत खेलता है ये लोग काफ़ी। देखो मुझे नोच रहा है ये, मुझे काटना चाहता है, तो ये काटता भी है हल्का हल्का, मतलब अगर आप इसको उंगली देते हो ना तो हल्का सा ऐसे बाइट करके, जैसे डॉगी लोग मुँह में ले लेता है ना, हाथ ले लेता है, लेकिन बाइट नहीं करता, बस गड़ाता है दांत वैसे ही। तो ये हमेशा चढ़ा रहेगा शरीर के ऊपर, खेलता कूदता। अगर आप सो जाते हो नीचे तो आके राउंड 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 घूमता रहेगा ऐसे ही। तो मतलब काफ़ी प्लेफुल मेरे पास बनीज है, मतलब काफ़ी अच्छे खासा खेलते हैं, और आगे भी ऐसे ही खेले, मैं मतलब पूरा ध्यान रख रहा हूँ इनका। तो आप भी कुछ बताना गाइस कि इनको क्या खिला सकते हैं और क्या क्या खिला सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मली खिलाता हूँ ग्रासेस और कैरेट, स्वीट पोटैटो, कैप्सिकम सीड्स हटाकर, तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो मैं खिलाता हूँ। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊँगा एक, कि मैं इसको पूरे क्या क्या खिलाता हूँ, कैसे खिलाता हूँ, ये सारी चीज़ का मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊँगा। देखो 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 मुझे कैसे कर रहा है, ये बहुत बदमाश है, बहुत नटखट है ये। जैसा मोमो था, आप देख रहे हो कि मोमो को कितना अच्छा से छू रहा था, मैं खेल रहा था, ये हमेशा शरीर पर चढ़ा रहेगा, खेलता कूदता रहेगा, ऊपर नीचे इधर उधर काटता छाटता रहेगा, ये बहुत प्लेफुल है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो अभी बस इतना ही बताता हूँ, आगे बताऊंगा कि हाँ इसका क्या खर्च आता है, कितना कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में। तो ये देखो अब ये खेलने गया, अब ये घुस जाएगा अंदर, अब ये सोएगा, अब इसको खेलने का मन नहीं कर रहा, अरे फिर से आ गया। तो ऐसे ही खेलता रहता है। सिंपल सी बात है गाइस कि लॉकडाउन है, कोई भी कहीं नहीं जा रहा, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, तो वीडियो कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, बनाऊंगा लेकिन आप लोगों के लिए तो बना के रहूँगा। मेरे मतलब इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतने अच्छे रिस्पांस मिली आपकी, तो आप लोग के लिए इतना तो करना बनता है मेरा। मैं करूँगा, ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए रेगुलर ब्लॉग लाता रहूँ, और जैसा आपने अभी तक प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहिए। बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग फ्लॉप आवर पॉडकास्ट।